हरियाणा राज्य से तस्करी करके लाई गई शराब है। सुबह ही मुखबिर का फ़ोन आया कि इसी तरह से एक गाड़ी है जो ममरेजपुर के आसपास ट्रैक की जा रही थी, जो है कि अगर उसको समय रहते पकड़ लो तो जो है, क्योंकि मैं क्षेत्र में ही मामूर था इसलिए मैं पूरी टीम को लेकर मौके पर ही पहुँच गया और देखा जाकर तो उसमें जो है लगभग 10 लाख की शराब है जो अनुमानित है और पूरी तरह से इलीगल है। उसमें कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जो इसको लीगल ठहरा सके। तो क्या किसी को गिरफ्तार भी किया गया? हरियाणा है तो इसमें एक उत्तर प्रदेश को जो है बहुत लंबा चौड़ा जो है राजस्व पर चूना लगाया जा रहा था। कोई गिरफ्तार हुआ सर इसमें? गिरफ्तार नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही हम पहुंचे वो वर्दी को देख कर जो है एक व्यक्ति उसमें से उतर के भागा जिसकी पहचान नहीं हो चुकी कौन था। जब हम मौके पर पहुंचे हैं तो पूरी टीम जैसे ही गाड़ियों से उतरने लगी तो एक व्यक्ति बहुत तेजी से भागा है, वहाँ पेड़ पौधे फसल है उनका सहारा लेकर मतलब सफल हो गए। दस्तावेजों से सर जो प्राप्त हुए हैं उनसे क्या पता चल रहा है कि ये लोग कहाँ के थे, कहाँ स्मगलिंग कर रहे थे? दस्तावेज में केवल वाहन की आरसी प्राप्त हुई है, तो इसके अलावा कोई बरामद नहीं होना और माल जा रहा है तो अपने आप में वो इलीगल हो जाता है।